हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में और चंद्र ग्रहण का सूतक समय क्या है, कौन से दिन को लग रहा है और जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं अपना खास ध्यान कैसे रख सकती हैं। तो दोस्तों, इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब बहुत जल्द ही आप 8 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना देखेंगे, जहां एक तरफ दिवाली के एक दिन बाद 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था, वहीं इसके बाद साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण नवंबर के महीने यानी ठीक 15 दिन बाद ही पड़ेगा। यह साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से भारत, अन्य एशियाई देशों, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों और अधिकांश दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन कई ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ज्योतिष की माने तो मुख्य रूप से प्रेगनेंसी में चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ कामों की मनाही होती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं और कब लगने वाला है साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण। तो फ्रेंड्स, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार शाम 5:32 से शुरू होगा और शाम 6:18 खत्म होगा। खगोलीय शास्त्रियों के अनुसार भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल पूर्वी भागों में ही दिखाई देगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कौन सी सावधानियां प्रेग्नेंट मदर को बरतनी चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान एक प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण की अवधि में आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें। सूतक काल के दौरान भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान ना काटें सब्जियां, क्योंकि फ्रेंड्स, ज्योतिष के अनुसार यह भी माना जाता है यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान सब्जियां ना काटें। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सब्जी काटने से होने वाले बच्चे पर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, किसी नुकुली वस्तु का इस्तेमाल ना करें। जो ज़्यादा शार्प चीज़ें हैं उसे इस्तेमाल में ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि आपको सूतक काल से चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि के दौरान कैंची, चाकू या फिर किसी भी धार वाली वस्तु का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इसके किसी वैज्ञानिक कारण की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसा करना आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। दरअसल इस अवधि के दौरान चंद्रमा की किरणें सभी के लिए हानिकारक हो सकती है। मुख्य रूप से प्रेगनेंसी में आपके और होने वाले बच्चे के लिए ये किरणें नुकसानदायक साबित हो सकती हैं और चंद्र ग्रहण देखने से आँखों में भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई स्वास्थ्य और ज्योतिष कारणों से भी प्रेगनेंसी में चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान किसी जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो समय होता है ये किसी भी अच्छे काम करने के लिए शुभ समय नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने से बचें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचें। ऐसा माना जाता है कि खाने की कोई भी चीज़ चंद्रमा के ग्रहण के दौरान इससे निकलने वाली किरणों से दूषित हो सकती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज़्यादातर फ्रेंड्स, आप ध्यान दें कि सूतक के समय आप कुछ भी ना खाएं। इस दौरान आप सुनिश्चित करें कि खिड़कियों और दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद रखें, जिससे चंद्रमा की रोशनी घर के अंदर ना आ सके। इस दौरान खाने की किसी भी चीज़ में तुलसी,
डालें। तुलसी की पत्तियों को बहुत पवित्र माना जाता है, इससे चंद्रमा की किरणों का कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको चंद्र ग्रहण का टाइम और उसके साथ सूतक का समय और इसके साथ दिन और प्रेग्नेंट महिलाओं को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ग्रहण के दौरान, सारी बातें हमने जानी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग।